अरे इनको अलग करना है। धनवीर भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। शिवा और अरे हाँ अरे यार क्या हाल है। अरे कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया हूँ यार। कैसे हो आप लोग सब? मैं बढ़िया हूँ। आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी जन्मदिन की पार्टी मना रहे, मुझे नहीं मनाया, तुम लोगों ने बुलाया। अच्छा नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा बंगाली है तो रसगुल्ला कब खिला रहे हो? खिलाओ सर। मिस्ट्री दही कौन कौन खिलाएगा? अरे वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और मिलते हैं कभी, मुंबई आओ या मैं कोलकाता आऊंगा, पक्का मिलूंगा आप लोगों से। मैं जब मैं कोलकाता आता हूँ मिलता हूँ आप लोगों से। अरे नहीं नहीं पक्का यार, अपन साथ में मनाएंगे बर्थडे, ठीक है? चल ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, डू वेल, खुश रहो सब लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अबे आ जा भाई, चलो चलो भाई को भी जान दो। अबे साले ले रहे साधु, शूट चल रही है दूसरी, चला जा। जी यू नो स्पॉटिफाई की बड़ी कमाल की सीरीज है। हम लोग हमेशा यू नो जब छोटे होते थे ट्रेन्स में ट्रैवल करते तो बड़े कमाल के नॉवेल्स मिलते थे स्टेशन पे, जो एक्साइट करते थे कि यार कैसा होना चाहिए सुपर हीरो, एक्चुअली क्या था। जितने उस स्पाई की कहानियाँ हम लोग सुनते थे और उसमें कमांडर करण सक्सेना की कहानी सबसे कमाल की होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि यार ये होना चाहिए एक्चुअली, जो रियल जेम्स बॉन्ड की बात करें हम लोग। सो आज जब दुनिया उसे देखना चाहती है, सुनना चाहती, तो स्पॉटिफाई ने बड़ा एक कमाल की दुनिया क्रिएट की है, जिसमें आप
पॉडकास्ट के थ्रू सुनेंगे कि कहानी कैसी दिखाई देती है. सो दैट्स द मैजिक ऑफ द होल सीरीज. और मैं उसमें जो लीड कैरेक्टर है कमांडर करण सक्सेना निभा रहा हूँ, और बड़ा कमाल की दुनिया क्रिएट की. वो बोलते हैं कि जब आप सुनेंगे तो आपको सब दिखाई देगा. या अभी शूट हुआ है, उसके प्रोमोज हैं, और आने वाली है सीरीज 15 अगस्त से. आप उसे सुन पाएंगे, महसूस कर पाएंगे. और कमांडर करण सक्सेना का एक बड़ा कमाल का डायलॉग है कि जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है. सो आई थिंक वो एक होता है ना, जब हम लोग ये सब सीरीज खेलते थे, स्पाई सीरीज, तो कुछ ना कुछ लाइंस बड़ी कमाल की रहती थी. सो आई थिंक दैट वाज द यूएसपी उस समय बचपन में, और आज जब रियल में करने को मिल रहा है, सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. आई फील कि हिंदुस्तान की बात करें तो हर रोज़ हमें इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए, क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है हमारे लिए क्या मायने रखती है. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी देश के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और 15 अगस्त वो दिन वापस आपको याद दिलाता है कि आप हिंदुस्तान के एक ऐसे नागरिक हैं जो जिसमें आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं आपको अपने कंधों पर लेनी है. देश को प्राउड महसूस करवाना है, गर्व आपको होना चाहिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, और देश को आप पर गर्व होना चाहिए. तो आई थिंक वो एक याद दिलाने का दिन ज़रूर है, और मुझे उम्मीद है और कि दुनिया जब 15 अगस्त आएगी तो देश के अंदर और लोग एक दूसरे की मदद के लिए बाहर आएंगे और बेहतर देश बनाएंगे. सर, एक बहुत ही स्पेशल फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, लेकिन लोग काफ़ी नाराज़ हैं अभी भी आमिर सर से, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया था 3-4 साल पहले, तो क्या कहना चाहेंगे, माफ़ कर देना चाहिए लोगों को, क्योंकि इंटॉलरेंस पर जो कहा था, लोग कह रहे हैं कि बायकॉट करनी चाहिए इस फिल्म को. मैं यार इस पर कुछ मैं कमेंट नहीं देना चाहूँगा. आई थिंक वो अलग दुनिया है. मुझे लगता है कि अच्छी अगर फिल्में आती हैं, बड़ी मेहनत से बनती हैं, और उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनको उनका ड्यू ज़रूर मिलना चाहिए. एक आखिरी सवाल, इंडिपेंडेंस डे के मौके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस बार सभी जो है जो शो से सेलिब्रेट कर हर कोई अपनी ड्यूटी रखे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कमाल की तरफ से क्या कुछ स्पेसिफिक देखने को मिलने वाले, आपके फैंस भी आपके घर आते हैं, तो कुछ करने वाले आप? बहुत कमाल का मुझे लगता है मैसेज है हमारे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि हमें यू नो हर घर एक तिरंगा होना चाहिए, ताकि हम लोग प्राउड महसूस करें. हम जब दूसरे देशों में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने अपने घरों पे फ्लैग्स लगाए हुए हैं. आई थिंक हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, और बड़ा कमाल का मैसेज है. आई थिंक जब आप देखेंगे तो हर रोज़ आपको ये इस बात की एक जिम्मेदारी महसूस होगी कि आप एक इंडियन हैं और हिंदुस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाना है. तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. आपकी सो जस्ट मैं सभी भारतवासियों को 75वां साल है इंडिपेंडेंस डे का है, और सबको बहुत बहुत बधाई हो. कमाल का काम करें, देश को गर्व महसूस करने वाला काम करें, लोगों की मदद करें, और ताकि हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सके कि आप हिंदुस्तानी हैं. थैंक यू.